नमस्कार, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जगह जगह जो गांव पट्टे हैं यमुना के किनारे उनमें इस तरीके से यमुना का पानी भर चुका है। हालांकि खाना जो है लगातार पहुंचाया जा रहा है, सभी प्रशासनिक अधिकारी लगातार मौके का दौरा कर रहे हैं ताकि जो भी लोग इस तरीके से गांव में फंस चुके हैं, बाढ़ में फंस चुके हैं, उन लोगों को खाना जो है वो मिल सके। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ जाएगा। ट्रैक्टर और बोट की मदद से जो है खाना पहुंचाया जा रहा है। हालांकि जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी तमाम लोग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है खाना लेकर निकले हैं, बोट लेकर निकले हैं और लगातार इसी तरीके से सुबह से जो है खाना लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी तरीके से गोताखोर लगे हुए हैं और इसी तरीके से जो एसडीआरएफ की टीमें हैं वो भी लगी हुई है, खाना और पानी जो है लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आगे गांव की बात की जाए तो कलसोरा और गांव जो है लगता है कलसोरा से होते हुए आगे बीबीपुर ब्राह्मण लगता है और भी गांव जो है आगे लगते हैं जिनके रास्ते बंद हो चुके हैं, जिनके रास्ते जो है पानी में लगभग डूब चुके हैं। उन रास्तों पर जो है ट्रैक्टर और बोट आदि की मदद से जो है खाना पहुंचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं फिलहाल ये रास्ता है जो आगे जो है पटरी से होते हुए निकलता है वहां तक जाएगा और वहां पर खाना जो है आगे पहुंचाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि फिलहाल ट्रैक्टर पर जो है जाया जा रहा है, उसके बाद बोट को पानी में उतारा जाएगा और फिर खाना जो है आगे भेजा जाएगा। आगे वो गांव है जो सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं कि पानी में डूब चुके हैं, हल्दाना जैसे गांव है, कलसोरा, बीबीपुर ब्राह्मण बताया जा रहा है, नबियाबाद बताया जा रहा है, जप्ती छपरा बताया जा रहा है, सैयद छपरा, चंद्राव जैसे गाँव है जो पानी में डूबे हैं, उनको लेकर प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है। फिलहाल ट्रैक्टर पर जो है खाना लेकर जाया जा रहा है, बोट के माध्यम से जहां पर भी पानी है, जलमग्न जो इलाके हैं उन तक जो है पानी और खाना जो है वो पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आगे रसूलपुर से होते हुए और आगे कलसोरा गांव की तरफ जो है ये इलाका लगता है। आपको बता दें कि फिर से जो है हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, ऐसे में आने वाले शाम तक हो सकता है कि पानी फिर से जो है वो यहाँ पर ज्यादा हो जाए, पानी का स्तर ज्यादा हो जाए। हालांकि एक रोड जिस पर पूरा पानी था उसको क्रॉस कर लिया गया है, ट्रैक्टर पर उसको क्रॉस किया गया है। इसके बाद आगे जो है पहुंच रहे हैं ये गांव सभी के सभी करनाल के इंद्री हल्के में लगते हैं, जो यमुना के बिल्कुल सटे हुए गाँव है, यमुना से सटे हुए इलाके हैं जहाँ पर अक्सर बाढ़ आदि जो है वो देखी जाती है। ऐसे में आप देख सकते हैं जो तमाम लोग हैं, चाहे गांव के लोग हो चाहे प्रशासन के लोग हो, सभी इस तरीके से लगे हुए हैं ताकि जो भी लोग अंदर गांव में हैं जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता है किसी भी साधन के माध्यम से, वहां पर बोट के जरिए जो है प्रशासन पहुंच रहा है और वहां पर जो है खाना पहुंचाया जा रहा है ताकि लोगों को जो है खाना वो मिल सके। हालांकि आप हालात देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी है क्योंकि कल ही जो गढ़पुर टापू है उसकी बांध जो है पुलिया जो है पटरी वो टूट जाती है, जिसके बाद गांव में पानी आना शुरू हो जाता है। और जब गांव में पानी आना शुरू हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि आगे सिर्फ पानी ही पानी जो है नजर आ रहा है। फिलहाल देखिए कि स्थिति कुछ ऐसी है कि कहीं कहीं तो जो रोड है सड़क है वो नजर आ रही है, लेकिन कहीं पर पानी की वजह से रोड नहीं दिखाई दे रही है, जिसके चलते आगे आप देखेंगे एक ट्रैक्टर है वो बीच में फंसा हुआ है। लगातार ट्रैक्टर और बोट के जरिए जो है लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। कलसोरा, बीबीपुर ब्राह्मण आगे लगता है, हलवाना डेरा आगे लगता है जहां पर खाना जो है पहुंचना है, लेकिन देखिए बीच में एक ट्रैक्टर भी आपको फंसा हुआ जरूर नजर आ जाएगा और तमाम लोग इस ट्रैक्टर पर सवार होकर आगे मदद के लिए जा रहे हैं ताकि वहां पर खाना जो है पहुंचाया जा सके। तस्वीरें
जो है इन बाढ़ग्रस्त इलाकों से दिखा रहे हैं, करनाल के बाढ़ग्रस्त इलाकों से देखिए कहां कहां तक पानी जो है वो भर चुका है। आप लोगों से अपील है वीडियो को आप शेयर करें। ट्रैक्टर आप देखिए, ट्रैक्टर शायद जो है वो नीचे उतर चुका है, उसका एक पहिया। बीच में जो है पक्की सड़क जरूर है लेकिन वहां सिर्फ और सिर्फ पानी है, जिस कारण जो है ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर जो यहाँ पर पहुंचा था वो नीचे पहिया जो है उसका उतरा हुआ नजर आ रहा है। इंद्री करनाल आप देखिए, इंद्री करनाल की तस्वीरें हैं जहाँ पर यमुना का पानी खेतों में गांव में आ चुका है और लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आप देखते रहिए, सामने जो है यमुना की पटरी लगती है, एक जगह से पटरी जो है वो टूट चुकी है, वहां तक जाना भी मुश्किल है। गढ़पुर टापू की जो पटरी है वो टूटती है, जिसके बाद वहां पर पुलिस जो है अलर्ट पर है, आने जाने पर वहां पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि पटरी टूटने की वजह से गांव में पानी आना शुरू हो गया है, खेतों में पानी आना शुरू हो चुका है। सामने जो है पटरी नजर आ रही है, वहां तक पहले ट्रैक्टर की मदद से जाया जाएगा, जिसके बाद आगे जो है खाना पहुंचाया जाएगा। चारों तरफ का इलाका बाढ़ग्रस्त ये इलाका है जहां पर फिलहाल आपको दिखा सकते हैं हम पहुंचे हैं ट्रैक्टर के माध्यम से, और तस्वीरें कुछ इस तरीके की है कि आगे के जो सभी गांव है वो लगभग डूबे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आगे की किस तरीके की तस्वीरें हैं, और वो देखिए आगे रोड खत्म हो चुकी है। फिलहाल जो है यहाँ पर अब बोट को उतारा जाएगा ताकि बोट से जो है आगे जाया जा सके, यहाँ तक किसी तरीके से जो है पहुंचे जरूर है। पीछे देखिए खाना वगैरह जो है बोट में लेकर आया गया है, पानी लेकर आया गया है ताकि आगे जो है जो भी गांव बाढ़ग्रस्त है उन तक पहुंचाया जा सके। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर के माध्यम से खाना लेकर जरूर पहुंचे हैं और आगे ट्रैक्टर का जाना काफी ज्यादा मुश्किल है, वहां पर जो है बोट को उतारा जाएगा। तो आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इंद्री इलाके में, जहां पर पिछले दो दिनों से लगातार भारी बारिश के चलते कई जो है नहरों की पटरी टूट जाती है और उससे जो है गांवों के अंदर जो है सड़कों पर घरों में जो है पानी ही पानी हो गया है। लोगों का जो है जीना एक तरीके से दुश्वार जरूर हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं कलसोरा गांव है वहां पे भी पानी बताया जा रहा है, बीबीपुर जो ब्राह्मण है वहां पे भी पानी बताया जा रहा है, और बहुत से ऐसे इलाके हैं जो यमुना तट के बिल्कुल नजदीक लगते हैं जहां पर बाढ़ जैसी हालात जरूर हो चुके हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि रात से जो कुछ लोग जो है वो फंसे हुए थे और उनको जो है अब नावों के द्वारा जो है यहाँ पे नाश्ता वगैरह यहाँ पे दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं गोताखोर की जो टीमें हैं वो पहुंची हुई है, आप देख सकते हैं खेतों में लबालब जो है पानी भरा हुआ है, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इंद्री हल्के को। देखिए आपको बता दें आगे जो है ट्रैक्टर के माध्यम से जाना संभव नहीं है, आगे जो भी पटरी के इस तरफ गांव लगते हैं खेती खेत हैं, उसके बाद डेरे लगते हैं जहां पर अब बोट के माध्यम से पहुंचा जाएगा, वहां तक खाना जो है वो पहुंचाया जाएगा। आप देख सकते हैं आगे जो है ट्रैक्टर का जाना भी संभव नहीं है, यहां से आप देखिए पानी का स्तर किस तरीके से खेतों में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, इसके आगे कई डेरे बताए जा रहे हैं, गांव बता रहे हैं जहां तक पहुंचना है, खाना पहुंचाना है वहां पर आप देख सकते हैं बोट के माध्यम से जो है पहुंचाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो कैंपर है जिसमें पानी है और उसको यहाँ से उतारा जा रहा है, जो फिलहाल जो अंदर गांवों में जो अंदर डेरों में जो लोग फंसे हैं उन पर उनको जो है पानी और खाना जरूर पहुंचाया जाए। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें करनाल के इंद्री से, जहां पर बोट आ गई है, ट्रैक्टर ट्राली आ गया, गोताखोर की जो टीमें हैं वो पानी में उतर कर जो है लोगों को खाना पहुंचाएगी। आपकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के इंद्री से, जहाँ पूरा जो इंद्री इलाका है वो
पानी में आप देख सकते हैं जलमग्न एक तरीके से हुआ हुआ है। आप देख सकते हैं खेतों में पानी हुआ पड़ा है, सारी फसलें जो है नष्ट हुई पड़ी है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के इंद्री इलाके से। हाँ फिलहाल जो सुबह से जो गोताखोर है, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। गोताखोर करण हमारे साथ है। गोताखोर कैसे बताना चाहेंगे सुबह से आप यहाँ पे कैसे सोचते हैं? सुबह से जी बस ऐसी स्थिति हो रही है जी, कहीं पानी ज्यादा हो रहा है कहीं कम हो रहा है, बस इधर ही ज्यादा हो रहा है जी। अभी यहाँ पर आग डेरे पर कहीं खाना दे के आएंगे जी। सुबह से कब से लगे हुए हैं? सुबह जी 7 बजे से लग रहे हैं जी हम कल भी तो, कहीं थे? कल पूरा दिन रात को भी यहीं थे जी हम तो। क्या लगता है कितने लोग होंगे हम लोग को पता चला? काफी लोग अजीब देखना जी आता, काफी लोग खाना लेकर जा रहे हैं। तो आप देख तो बिल्कुल जो है आगे गोताखोर है उनकी मदद से खाना जरूर पहुंचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं आगे सिर्फ बोट जा सकती है, फिलहाल जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो आगे नहीं जा सकती है, क्योंकि अगर बात की जाए आगे जाना आप देखिए क्योंकि पीछे भी एक ट्रैक्टर जो है वो फंसा हुआ जरूर नजर आया, क्योंकि जो रोड है सड़कें हैं वो फिलहाल दिखाई भी नहीं दे रही हैं। और जो भी पुल डूबे हैं, जिस तरीके से शेरगढ़ टापू का पुल डूबा है और डबकोली कला के पास जो है पुल डूबा है, वहां पर अगर बात की जाए तो पुल के ऊपर से 7-7, 8-8 फुट पानी बह रहा है। और गढ़पुर के पास जो बांध है, जो तट है, वो किस तरीके से टूट जाता है, उसके बाद से ही लगातार गोताखोरों की टीम जो है वो लगी हुई है। चाहे रात हो चाहे अब दिन की बात हो, पहले सुबह खाना पहुंचाया जाता है, उसके बाद अब रात के दिन के वक्त देखिए किस तरीके से जो खाना है वो पहुंचाया जा रहा है। हालांकि यहां तक जो है ट्रैक्टर के माध्यम से पहुंचे, लेकिन अब आगे सिर्फ जो है बोट ही जाएगी, आगे जो है बोट ही जाना जो है बताया जा रहा है कि पहुंच सकती है, क्योंकि आगे जिस तरीके का आगे इलाका बताया जा रहा है, बीबीपुर ब्राह्मण गांव बताए जाते हैं और हलवाना डेरा बताया जा रहा है, इसके साथ साथ चंद्राओ गांव और भी कई गांव हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न है। हालांकि सड़कों तक भी पानी जो है वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, गढ़ी बीबल के पास भी सड़क पर जो है वो पानी पहुंच जाता है। फिलहाल देखिए लगातार जो है बोट के माध्यम से सुबह भी खाना पहुंचाया गया, अब फिर से खाना जो है वो पहुंचाया जा रहा है। लाला फिलहाल आप देख सकते हैं पूरी तरह पानी ही पानी हुआ पड़ा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बोट मंगा ली गई है, अब गांव के जो डेरे हैं वहां पर जाया जाएगा और आसपास के जो लोगों हैं उन तक खाना जरूर पहुंचाया जाएगा। आप देख सकते हैं ये सड़क है और यहाँ पर आप नदी के समान जो है रास्ता हुआ पड़ा है, किश्ती के द्वारा नाव के द्वारा यहाँ से जाया जाएगा कि जहाँ पर लोग बाइक से जाते थे। आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें करनाल की इंद्री से हैं, जहाँ पर पिछले 2 से 3 दिनों के बाद से ही यहाँ पर बाढ़ जैसा माहौल नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर किश्ती के द्वारा बागे के अंदर जाया जाएगा। गोताखोर करनाल से बुलाया गया, करनाल से कई प्रशासनिक अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे हैं, SDM पहुंचे हैं, SDM इंद्री पहुंचे हैं, करनाल से SP पहुंचे हैं, DC पहुंचे हैं, और भी कई तमाम अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे। आप देख सकते हैं लाइफ जैकेट जो है वो भी यहाँ पे रख ली गई है, जो भी आगे लोग होंगे उनका यहाँ पे रेस्क्यू कर कर लाया जाएगा, जो ज्यादा दूर होंगे और जो थोड़े नजदीक होंगे उनको यहाँ पर खाना देकर आगे की ओर जाया जाएगा। फिलहाल देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इंद्री के शेरगढ़ इलाके से, देख सकते हैं जहाँ पर आगे जो हलवाना लगता है, कहीं गांव जो है बीबीपुर ब्राह्मण लगते हैं, और आगे रास्ता देख सकते हैं बीच में ही जो नेटवर्क के जो पुल हैं, जो बिजली के जो खंभे हैं वो देख सकते हैं आप, वो भी यहाँ पर टूटते हुए जो नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे बिजली का जो कनेक्शन है वो काट दिया गया, जिससे कि पानी जो है ज्यादा हो रहा था उससे कि आसपास के पानी में करंट ना फैले, इस करके जो है बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया। आपकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के इंद्री से। फिलहाल जो आगे की तस्वीरें भी आपको जरूर दिखाएंगे, आप पानी का स्तर देख सकते हैं किस तरह कैसे 2 से 3 फुट का जो पानी का जो लेवल है वो सड़कों पर आ चुका है। आप देख सकते हैं जो सभी जो खेत खलिहान है वो यहाँ पर नष्ट होते हुए जरूर आपको नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं आगे गन्ने के जो खेत हैं वो भी यहाँ पे तबाह हो गया, जीरी लगाई थी किसानों ने बताया था वो भी यहाँ पर तबाह हो चुकी है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इंद्री के हलवाना रोड से, जहाँ पर फिलहाल जो बचाव कार्य चलाया जा रहा है। आपकी
कितने कितने डूबे बाबू जी, गाँव कितने कितने डूबे? नबियाबाद, जत्ती छपरा, नवा गाँव, तीन गाँव डूब रहे, सब में पानी आ। कब आया पानी? रात आया था सुबह क्या रहा? यो तो पर कल ही कर लिया इन मतो, कल ही कर लिया पानी। तो कोई आया प्रशासन की तरफ से मदद? कोई नहीं आया, मूवी थे तब आए, यहाँ कोई नहीं आया। कितने लोग हैं गांव? कितनी आबादी है तुम्हारे इलाका? हाँ, कितने गांव की आबादी? हमारे गांव की आबादी सरपंच ना पूछ, ये बताओ। ऐसे कितने गांव हैं वहाँ पे, कितने लोग हैं? माँ मुना सारा जी, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं फिलहाल। अरे आप पूछे वो पूछे इन आबादी बता दी कितनी यार गांव की आबादी? सरपंच क्या? हाँ जी सरपंच कुल सोरे का। क्या हुआ, कितनी आबादी है यहाँ पे, कितने लोग आगे अंदर हैं? ये इधर जी नबियाबाद, जत्ती छपरा, जत्ती छपरा डेरा, सैयद छपरा, अलवाणा, नगली और कमालपुर रुडान, ये कम से कम 2500 आबादी तो एक गाँव की है। ये 12-13 गांव है जी, सब पानी की चपेट में है, बिल्कुल संपर्क टूट चुका है, आने जाने का सिस्टम सारा बंद हो गया। कब से गांव में बंद है? ये 3 दिन हो गया आज। हाँ बेचारे जी, कल भी बेचारा था, आज बेचारे। और जी कल 12-13 आदमी रेस्क्यू करे थे, जमुना में फंस गए थे क्या? हाँ फंस गए थे हमें, एक तो बाघ में, 6 बंदे बाघ में रह गए थे, एक अपने 12 पर रह गया था और 7 या थी भाई ये लेबर जी। हाँ ना ठीक है, सभी ठीक है। मैं प्रदीप कुमार, सरपंच कुलसोरा। तो बिल्कुल सरपंच हैं कलसोरा गांव से, देख सकते हैं फिलहाल खाना लेकर जरूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे इलाके जो भी यमुना से बिल्कुल सटते हुए लगते हैं उन इलाकों में जो है खाना पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो है पानी इस तरीके से भरा हुआ है कि लोगों का बाहर आना काफी मुश्किल है, और ऐसे में बोट के माध्यम से ही आगे तक जाया जा सकता है। एसडीआरएफ की टीमें भी लगी हुई हैं, हालांकि प्रशासन भी लगा हुआ है, लेकिन अपने आप में पानी जो है हथनीकुंड बैराज से जिस तरीके से छोड़ा गया, और वहां पर भी अगर नहीं छोड़ा जाता तो वहां पर भी ऐसे हालात होते, तो आगे की तरफ ये पानी छोड़ा जाता है, हर बार छोड़ा जाता है और हर बार इस तरीके की स्थिति जरूर बनती है। फिलहाल अपील है वीडियो को शेयर करें, आगे गाँव में भी पहुंचेंगे और वहां किस तरीके के लोगों के हालात है, कब से उन्होंने खाना खाया है वो भी आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि गांव के लोग और गोताखोर देखिए बोट को नीचे उतारते हुए, क्योंकि काफी ज्यादा भारी है, मोटर बोट है, और इस बोट को लेकर जो है आगे जाएंगे, वहां पर खाना पहुंचाएंगे। एक सरपंच है कलसोरा गांव से, देखिए काफी मेहनत भी जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं गांव के लोगों से, कलसोरा के सरपंच हैं, और आगे फिलहाल अब बोट को पानी में उतार दिया गया। अपील है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, गांव में पहुंचे।